सो है गाइस, की इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट कैटेगरी से रिलेटेड काफी शानदार न्यूज देखने को मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो गाइस फर्स्ट अपन बात करते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो गाइस हुआ क्या कि अपने अमित भाई ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गलती से इज की जगह इन लिख दिया था, जिसके बाद उनके पास काफी सारे कमेंट गए और उसके तुरंत बाद अमित भाई ने एक और स्टोरी डालकर माफी मांगी। हाँ भाई, पता है गलती हो गई है, इसको इन लिख दिया है, अब मैं क्या करूँ भाई। पिछली स्टोरी में इसको इन लिख दिया, मिस्टेक हो गई है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक। बताओ कहाँ जाऊँ अब मैं, क्या करूँ बताओ। जान का लिया यार आप लोगों ने, गाइस गलती हो गई यार। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि अपने दिलराज भाई के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल पर एक महीने से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका कारण यह है कि अपने दिलराज भाई का बहुत ही तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मिस्टर इंडियन हैकर के सभी टीम मेंबर ने मिलकर अपने दिलराज भाई को एक स्कॉर्पियो गिफ्ट किया था, और गाइस उसी स्कॉर्पियो का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपको उसका थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। मतलब गाड़ी पूरी 4-5 बार पलटी खा गई और घिसटती हुई गई न जाने कितनी दूरी तक। उसके बाद भी जो भी गाड़ी चला रहा था उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। खैर ऐसी बात नहीं है यार, ऊपर वाला साथ भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही सबसे अच्छी बात है कि किसी के भी चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं, जरा सी भी नहीं। और गाइस अब बात करते हैं वीरेंद्र सिंह के बारे में। तो गाइस वीरेंद्र सिंह मिस्टर इंडियन हैकर की टीम से हमेशा के लिए बाहर निकल चुके हैं, ये बात खुद मिस्टर इंडियन हैकर ने बताई है। लेकिन गाइस दिलराज भाई ने खुलकर पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन उनके बातों से लग रहा है कि पैसों की वजह से वीरेंद्र सिंह मिस्टर इंडियन हैकर टीम से बाहर निकल गए। मैं आपको थोड़ा सा दिलराज भाई का वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। गाइस यकीन मानो मेरे दोस्त मेरी जान है। खैर इस एक्सीडेंट से जैसे ही हम उभरे, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं तो क्या आप भी नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच सकता है। वो टीम मिस्टर इंडियन की टीम, वो जिसे मैंने रॉक स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो इतनी सॉलिड है, मुझे इतना विश्वास था कि यार कि उसे कोई पर्वत भी नहीं हिला सकता है। बताओ यार वो टीम भी टूट गई। जी हाँ गाइस, जहां पर हम 12 लोग हुआ करते थे टीम के अंदर, अब सिर्फ 10 लोग हैं। लेकिन 10 भी काफी है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज आपको कहूंगा कि बॉस लाइफ में कभी भी लालच मत करना। पैसा बहुत गंदी चीज है, पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देता है। पैसे के सामने रिश्ते नाते दोस्ती यारी दोस्ती विश्वास वगैरह कुछ नहीं टिकता है, पैसा सब कुछ खत्म कर देता है। तो गाइस आपको सच्चाई पता तो चल ही गया होगा, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।